नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण राजपुरिया, डिपार्टमेंट ऑफ अंगतंत्र। आज का जो टॉपिक है वो एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है, आयुर्वेदी उपविष का वर्णन या स्थावर विष का वर्णन। हमने विष के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि कितने प्रकार के विष होते हैं, स्थावर, जंगम, कृत्रिम, गर विष, दूषी विष। तो दूषी विष, गर विष वगैरह तो कवर हो चुके हैं। आज हम लोग स्थावर विष का शुरुआत करते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं क्या क्या बताया गया है। तो आयुर्वेद हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड 11 नंबर ऑफ उपविष आर एस फॉलोस। कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम लोग। 11 उपविष बताए गए हैं हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में। वो है विष तिंदुक बीजम च अहिफेनश्च रेचकम, धतुर बीजम विजया गुंजा भलात्का द्वया, अर्क क्षीरम स्मूही क्षीरम लांगली करवीरकम, समाख्यातु वनयम तु बुधैरूप विषार विधि। ये श्लोक आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कंपल्सरी है। आपको जो PDF दिया गया था उसमें शायद ये ना हो, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। तो जानते हैं इसके बारे में। उपविष आर डिस्क्राइब्ड इन द लिटरेचर, विच कैन बिकम ए वेरी गुड मेडिसिन इफ इट इज एडमिनिस्टर्ड प्रॉपरली। अगर अच्छे से इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाए, अच्छे से इसको ग्रहण किया जाए, लिया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टी के तौर पर इसको यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ ए सिंसियर अटेम्प्ट टू समराइज द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग अबाउट उपविष ड्रग्स डिस्क्राइब इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन रिस्पेक्ट टू देयर आयुर्वेदिक लिटरेचर। ओके, तो जानते हैं। विष तिंदुक मीन्स कुपिलू या कुचला, अहिफेन अफीम, रेचकम मीन्स वत्सनाभ, धतुर बीजम मीन्स धतुरा, विजया मीन्स भांग, नेक्स्ट है गुंजा, भल्लातक, अर्क क्षीर, स्नोही क्षीर, फिर लांगली है, और फिर करवीर का मीन्स करवीर या कनेर। तो ये 11 उपविष बताए गए हैं। अपन आने वाले क्लासेस में एक के बाद एक सारे उपविष का एक एक करके पूरे का डिस्क्रिप्शन अपन पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज का जो टॉपिक होता है वो होगा कुपिलू या स्टिकनेस नक्स वोमिका के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो कुपिलू या स्टिकनेस नक्स वोमिका इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। इसको कुचला भी बोला जाता है, कुचला, स्टिकनेस नक्स वोमिका। इट्स अ वेल नोन पॉइजनस प्लांट इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इट इज़ इंक्लूडेड इन उपविष बाय आयुर्वेद टेक्स्ट। स्टिकनिन इज ए पॉपुलर फोक मेडिसिन फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। अब हर एक ड्रग के बारे में ऐसा बोला जाता है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। कुचला इज ए नोन वेजिटेबल पॉइजन टू आयुर्वेद एज वेल एज मॉडर्न साइंस, बट इट इज़ यूज इन मेनी मेडिसिनल प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेद एंड अदर अलाइड मेडिसिनल पैथीज। ये सिर्फ आयुर्वेदा में ही नहीं, और भी दूसरे जो पैथिस हैं ट्रीटमेंट के लिए उसमें भी ये यूज़ किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। इन आयुर्वेदिक लिटरेचर उपविष आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर लेस टॉक्सिक इन नेचर एंड नॉट सो लीथल बट प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिन सिम्टम्स ऑन कंजप्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। उपविष ऐसे ग्रुप को बोला गया है जो थोड़ा सा लेस टॉक्सिक होते हैं, थोड़ी उसमें कम क्वांटिटी में होती है, या उसके जो टॉक्सिसिटी है उसकी मात्रा कम होती है, तो उतना ज़्यादा सीवियरली साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बट देन ऑल्सो अगर ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए तो वो फैटल हो सकता है, ठीक है। तो द प्लांट कुचला इज डिस्क्राइब्ड अंडर द उपविष वर्ग। तो उपविष वर्ग के अंतर्गत यह कुपिलू या कुचला जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो स्टिकनिन इज ए मेन कंटेंट ऑफ कुचला, इज पॉपुलर इन फोक मेडिसिन फ्रॉम एंशियंट पीरियड। नक्समोविका वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप इन द 16th सेंचुरी बट वॉज नॉट यूज इन मेडिसिन। दिस एल्कलॉइड स्टिकनिन हैज़ बीन इन यूज एज रोडेंटिसाइड एट द टाइम। रोडेंटिसाइड के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था, इसके जो एल्कलॉइड है या स्टिकनिन है उसको। इट इज़ समटाइम्स यूज फॉर किलिंग स्ट्रे डॉग्स, हैंस द नेम डॉग बटन इज यूज फॉर इट, बींग चीपली एम्प्लॉयड टू पॉइजन डॉग्स, कैट्स, क्रॉस एक्सेट्रा। तो इसको मेन यूज़ जो किया जाता था रोडेंटिसाइड के तौर पर किया जाता था, मतलब जो लोअर एनिमल्स हैं उनको मारने के लिए, डॉग कैट को वगैरह को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं नक्स वोमि का जो नाम दिया गया है ना, डॉग बटन जो नाम दिया गया है, ये इसी डॉग को मारने के कारण भी इसका नाम जो है डॉग बटन बोला जाता था। क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं तो आपको आने वाले पूरे 11 जो अलग अलग उपविष हैं उसमें सारे क्लासिफिकेशंस में ऐसे क्लासिफिकेशंस आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि एक तो आयुर्वेदा के अंतर्गत है, दूसरा है स्थावर विष के अंतर्गत,
देन वानस्पतिक विष आप लिख सकते हो, देन आता है उपविष। अब उपविष के अंतर्गत वो कौन से पार्ट को यूज़ किया जा रहा है, लाइक फल है, रूट है, बीज है, लीफ है, उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो आयुर्वेद है स्थावर विष, वानस्पतिक विष, उपविष, फल विष एंड बीज विष। ओके, मॉडर्न मेडिसिन के अंतर्गत आता है न्यूरोटॉक्सिन स्पाइनल एक्साइटेंट पॉइजन। ठीक है, तो इसको स्पाइनल पॉइजन के अंतर्गत लिया गया है मॉडर्न में, और हमारे आयुर्वेद में उपविष के अंतर्गत, फल विष या बीज विष के अंतर्गत। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो इट इज़ फाउंड थ्रू आउट ट्रॉपिकल इंडिया अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 360 मीटर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कोस्ट। मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ब्यूसिन, स्टिकनिन, वोमिसिन, स्टिकनिन एंड आइसोस्टिकनिन, लोगैनिक एसिड्स एक्सेट्रा। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करना कि उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऐसे तत्व तो पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे केमिकल पाए जाते हैं। हर एक ड्रग की बात करूँ मैं, सिर्फ इसी की नहीं, तो सारे ड्रग्स में उसका केमिकल जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको आपको याद करना जरूरी है। आपको याद रहना चाहिए कि उसमें कौन सा स्पेशल रसायन या केमिकल मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़। अगर देखें तो रज गुण वीर विपाक के अंतर्गत रस कटु तिक्त गुण में रुक्ष, लघु तीक्ष्ण, वीर्य उष्ण एंड विपाक कटु। दोष अग्नता में कपवात शामक एंड कप पित्त शमन। रोग अग्नता में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे डिसीसेस हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है, लाइक संधिवात, आमवात, व्रण, कुष्ठ, नाड़ीशूल, ऐसे बहुत सारे डिसीसेस हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। वो आप तो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ोगे, यहाँ पर अपन उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो कुपिलों के जो मेन यूसेस हैं वो क्या क्या है, हंती मेदा लोअर्स कोलेस्ट्रॉल, यूजफुल ओबिसिटी में यूज़फुल होता है, क्रीमी हर होता है, वर्म इन्फेक्शन में भी काम आता है। ठीक है, श्वास हरा होता है, अस्थमा वीजिंग में काम आता है, गुल्म हरा होता है, ट्यूमर ब्लोटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, अर्शो हरा होता है, ह्यूमरॉइड्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड रैट बाइट के लिए भी यूज़ किया जाता है। और हाँ, इसके अलावा जो हमने बात किया था कि अलग पैथीज में भी यूज़ किया जाता है, तो एक यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है, इट इज़ सेड इन होम्योपैथी इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट शुड बी प्रिस्क्राइब देन गिव नक्स वोमिका। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको क्या देना है तो आप नक्स वोमिका दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करना है तो आप नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज़ ऑफन यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ओवर ड्रगिंग। ओवर ड्रगिंग का केस होता है, जब अनकंट्रोल्ड ड्रगिंग के केस होते हैं तो उसमें भी एंटीडोट के तौर पर इसको कुपिलों को यूज़ किया जा सकता है। मोड ऑफ एक्शन देखें तो स्टिकनिन स्टिमुलेट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द CNS एंड पर्टिकुलरली द इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसीलिए इसको स्पाइनल पॉइजन बोला जाता है। एक बार और सुनिए, स्टिकनिन स्टिमुलेट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द CNS एंड पर्टिकुलरली द इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कॉजिंग ग्रेटली इंक्रीज्ड रिफ्लेक्स एक्सिस्टिबिलिटी। इसी कारण से इसको स्पाइनल कॉर्ड का पॉइजन बोला जाता है या स्पाइनल पॉइजन बोला जाता है। नॉर्मली इनहिबिशन ऑफ मोटर सेल्स स्टिमुलेशन इज लॉस्ट सो दैट एनी स्लाइट स्टिमुलस सच एज नॉइज, लाइट और एयर ब्रीज कॉसेस वायलेंट जनरलाइज्ड मसल स्पाज्म। किसी भी थोड़े से आवाज़ से ही उसको इतना ज़्यादा स्टिमुलेशंस होता है कि उसमें पूरा जनरलाइज्ड पूरी बॉडी में मसल स्पाज्म पैदा हो जाता है, तो बहुत ही भयानक होता है और जो दर्दनाक होता है। पार्ट यूज्ड में देखते हैं अगर, तो सीड इज़ द मोस्ट यूज्ड पार्ट ऑफ दिस हर्ब, रेयरली रूट बार्क इज ऑल्सो यूज्ड। इट शुड बी प्रिस्क्राइब प्योरीफाइड बिफोर यूजिंग फॉर मेडिसिनल पर्पस। फैटल डोज एंड फैटल पीरियड जो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फैटल डोज होता है 15 से 30 मिलीग्राम एंड फैटल पीरियड होता है 1 से 2 आवर। और एक चीज़ और है, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती है एज, सेक्स और मतलब उस इंसान के फिगर, फिजिकल बनावट वगैरह के ऊपर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 15 ग्राम में हर एक व्यक्ति बढ़ जाए, इस कारण इसको एक 15 से 30 ग्राम तक बोला जाता है। कि मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसे केस रिपोर्टेड होंगे जब इतनी मात्रा में कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ठीक है, अनफेटल पीरियड 1 से 2 घंटे में मृत्यु हो जाती है।
टॉक्सिन हेंसाइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके देखते हैं, ठीक है। टॉक्सिक सिम्टम्स के अंतर्गत एक तो बीटर टेस्ट होता है, बहुत ही कड़वा टेस्ट होता है इसका। ट्विचिंग एंड स्टिफनेस ऑफ मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक। कन्वल्सन्स मेन इसका साइन एंड सिम्टम्स के अंतर्गत कन्वल्सन्स मेन है। इनिशियली क्रोनिक होता है, दैट इज इंटरमीडिएट, एंड देन टॉनिक हो जाएगा, दैट इज सस्टेंड रहेगा। एनी स्टिमुलस लाइक मूवमेंट ऑफ पेशेंट्स, नॉइस, टच, लाइट, वाटर इमीडिएटली प्रोड्यूसेस कन्वल्सन्स। कन्वल्सन्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इसके स्ट्रिक्टनेस के केस में, बहुत ही कॉमन है कन्वल्सन, मेन उसका सिम्टम्स से बोला जाए। मसल्स बिकम रिजिड एंड स्टिफ सो दैट द बॉडी इज थ्रोन इन टू द फॉर्म ऑफ आर्क, लाइक धनुषाकार, धनुष एक आर्क जैसे बन जाएगा पूरा बॉडी, बहुत स्टिफ हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, जिसके कारण से एक पर्टिकुलर आकृति ले लेगा पूरी बॉडी जो है, ठीक है। साइनोसिस देखने को मिल सकते हैं, ब्लड स्टेंट नोज एंड माउथ में ब्लड स्टेंट देखने को मिल सकता है, प्रोमिनेंट एंड स्टेरिंग विथ डायलेटेड पिपल, आइज में ये चेंजेस होंगे। माइंड रिमेन्स क्लियर टिल डेथ, डेथ इज़ वेरी पेनफुल। इतना सब कुछ होगा, इतने वो आर्क जैसे मुड़ जाएगा, इतना ज़्यादा कन्वल्सन्स होगा, बट उसमें अनकॉन्शियसनेस कहीं भी नहीं होता है, मतलब वो पूरी तरीके से होशो आवास में रहेगा, दर्द सहेगा, और उसकी जो मृत्यु होगी, मृत्यु तक उसको बहुत ही अच्छे से पूरा कॉन्शियस रहेगा वो। डेथ जो होती है इससे वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, देयर में बी ओजिंग एंड हेमोरेज आर यूजुअली प्रेजेंट इन मसल्स एस इन डेथ फॉलोइंग इन वॉयलेंट मसल्स एक्टिविटी मस्कुलर एक्टिविटी द लिम्ब इज थ्रोटिक डक्ट इज ब्लडी, ओके। द स्पास्म ऑफ द मसल्स इंटरफेरेंस विथ रेस्पिरेशन एंड कॉसेस डेथ फ्रॉम एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया के कारण नॉर्मली मौत होती है। अर्ली ऑनसेट एंड डिसअपियरेंस ऑफ राइगा मोर्टिस, राइगा मोर्टिस जो होता है वो अर्ली ऑनसेट होगा और उसका खात्मा भी या मिटना भी बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। पोस्टमार्टम लिविडिटी भी देखने को मिल सकती है, और ये सारी चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी आ रही है लाइक लिविडिटी, राइगा मोर्टिस, ये सारी चीज़ें आपको डेथ के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ाया गया है, तो आप अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो उसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। ब्लड स्टेन फोर्थ एट नोस एंड माउथ एंड डायलेटेड पिपल, ये सारी चीज़ें उन लाशों में देखा जाएगा जिनकी मृत्यु जो है स्ट्रिक्टनेस नक्स वोमिका के कारण हुई है, उन डेड बॉडीज में ये अपीयरेंस मिलेंगे मरने के बाद। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसमें हम मेनली तीन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल और सुसाइडल। तो होमिसाइडल बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स में आपने पढ़ा होगा कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, बीटर होता है, तो आप अगर किसी को मारना चाहते हैं तो इसको खिला के नहीं मार सकते, किसी की चीज़ किसी के साथ भी इसको मिलाओगे तो वो कड़वा चीज़ कोई खाएगा नहीं, तो रेयर ड्यू टू बीटर टेस्ट एंड ड्रामेटिक नेचर ऑफ सिम्टम्स दैट विल ऑलवेज अराउज सस्पिक्शन ऑफ फॉल प्ले, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से साइन सिम्टम्स उत्पन्न हो जाएंगे बहुत ही इमीडिएटली, तो उसके कारण से आप बहुत ही जल्दी पकड़ा सकते हो, मतलब वो सस्पेक्ट की कैटेगरी में आएगा, सस्पिशन फॉल प्ले का सस्पिशन सस्पेक्टेड हो जाओगे। एक्सीडेंटल, हाँ तो एक्सीडेंटल बहुत ही कॉमन होता है, हमेशा हर एक पॉइजन के लिए एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। पॉइजनिंग कैन रिजल्ट इन चिल्ड्रन हु च्यू ऑन द सीट्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी व्हाइल प्लेइंग, एंड वन मोर थिंग, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम इनएडवर्टेंट कंजप्शन ऑफ स्टिकनिंग कंटेनिंग रोडेंटिसाइड, अगर इसको कोई बाय मिस्टेक ले लिया या इसका कंजप्शन कर लिया है तो वो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है सुसाइडल, तो स्ट्रिक्निन इज रेयर एम्प्लॉयड इन सुसाइड, सुसाइड इतना कड़वा ड्रग खा के ऐसा पेनफुल मौत कोई चाहेगा नहीं, तो फिर क्या सुसाइडल जो है बहुत रेयर होता है। ये ड्रग कंप्लीट होता है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए, कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।